देखो हमारे पास क्या होते हैं रेक्टिफायर राइट रेक्टिफायर को दो कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ है रेक्टिफायर बेसिकली क्या काम करता है ए सी को डी सी में कन्वर्ट करता है अब ये दो टाइप्स के रेक्टिफायर होते हैं एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर राइट फुल वेव को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करा है एक होता है हमारे पास सेंटर टैप रेक्टिफायर और एक होता है हमारे पास ब्रिज टाइप रेक्टिफायर राइट अब हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है हाफ वेव फॉर्म कन्वर्ट होती है हाफ वेव फॉर्म का मतलब या तो सिर्फ पॉजिटिव वाली हो जाएगी नेगेटिव वाली नहीं होगी राइट right? और फुल वेव में दोनों ही वेव फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी सेंटर टैप में हमारे दो डायोड यूज़ होते हैं और ब्रिज टाइप में हमारे पास चार डायोड यूज़ होते हैं और हाफ वेव में हमारे पास सिंगल डायोड यूज़ होता है ओके सेंटर टैप में हमारा ट्रांसफॉर्मर का यूज़ होना ज़रूरी है क्योंकि तभी तो सेंटर टैपिंग होगी तो सेंटर टैप का डायग्राम कुछ इस तरह से था कि दो डायोड इस तरह से और बीच में क्या कनेक्ट होता था लोड राइट right? और ब्रिज टाइप का कुछ इस टाइप से था कि दो डायोड इस तरह से पैरेलल में राइट और दो डायोड हमारे इस तरह से पैरेलल में वीट स्टोन ब्रिज वाला करेक्ट तो दो साइड से सब दो सब साइड से सप्लाई कनेक्ट कर दी और इस दो सब साइड से लोड कनेक्ट कर दिया हाफ वे विजी था एक ही डायोड है और यहाँ पे हमने सप्लाई दे दी या फिर ट्रांसफॉर्मर के थ्रू सप्लाई दे दी और यहाँ पे हमने लोड कनेक्ट कर दिया गॉट इट